क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, सभी में खासा उत्साह है और सभी श्री कृष्ण की भक्ति में यहाँ पर लीन है। अंदर आपको लिए चलते हैं आश्रम में यहाँ पर, क्योंकि दूर दूर से छोटे छोटे बच्चे भी हैं। सबसे पहले मुकेश आप अंदर चलिए और आप तस्वीरें दिखाइएगा और फिर हम बात भी करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखिए स्वामी विश्व चैतन्य महाराज जी हैं जो कि यहाँ के महंत हैं, उनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो इस वक्त छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं वो भी श्री कृष्ण की भक्ति में यहाँ पर लीन। यानी कि अगर आप मथुरा में आते हैं तो मथुरा में जैसे ही आप आएंगे, आपकी एंट्री होगी, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि कण कण में श्री कृष्ण का वास है। सबसे पहले आपका आपसे बात करेंगे महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर और आपको राधे राधे, शुभकामनाएं भी, जन्माष्टमी है, क्या कहेंगे सबसे पहले? हम यही कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है और उस पूर्ण ब्रह्म का जो है सो जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं और उसी की तैयारी चल रही है। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है और उसमें हम लोग जो है सो भगवान के भक्ति कहिए या अपनी प्रेम कहिए, जो कि हम अपने आराध्य देव के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए अपने आराध्य देव का जन्मोत्सव हम मना रहे हैं, तो इसी की तैयारी चल रही है और हम लोग 12 बजे प्रातःकालीन ठाकुर जी का अभिषेक होगा, पंचामृत अभिषेक सद्गुरुदेव भगवान करेंगे और इसके बाद जो है सो रात को फिर भजन कीर्तन होगा। भजन कीर्तन के बाद रात को 12 बजे जन्मोत्सव का हम लोग आनंद लेंगे और जो है सो हमारे यहाँ नंदोत्सव होगा 9 बजे के करीब। फिर नंदोत्सव, क्योंकि ठाकुर जी का जब जन्म हुआ था तो मथुरा में हुआ था, रात को वसुदेव जी भगवान के ही कहने पे, क्योंकि भगवान ने जब जन्म हुए तो उनको थोड़ा सा घबराहट थी कि कंस कहीं मार न दे, 6 पुत्रों को हमारे मार दिया तो इनको भी न मार दे। तो भगवान ने कहा जो कि, क्योंकि भगवान उस समय चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, तो जब चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो माता जी कहने लगी, देवकी माता ने, कि महाराज आप इस रूप में आए हो और हम तो बालक के रूप में आपके कामना किए थे। तो उन्होंने कहा जो कि देखो, हम तो इसलिए आए हैं इस चतुर्भुज रूप में कि अगर कंस ने कोई बात की तो फिर उसी समय सजा दे दूंगा, लेकिन अगर आप बालक का रूप चाहती हैं तो हमारी रक्षा आपको करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा जो कि महाराज, मैं आपकी रक्षा कैसे कर सकती हूँ? तो भगवान ने ही रास्ता बताया कि आप मुझे गोकुल पहुँचा दो। तो उन्होंने कहा जो कि गोकुल आपको पहुँचाऊँ, लेकिन हमारे हाथ में तो हथकड़ी और बेड़ियाँ लगी है, ताले पड़े हैं, पहरेदार इतने खड़े हैं। तो भगवान ने कहा जो कि जिस समय मैं बालक बन जाऊँगा और आप जो जैसे ही सूप में लेके भगवान को, भगवान ने कहा जो कि सूप में रख करके जैसे ही आप सिर पे मुझे रखेंगे वैसे हथकड़ी, बेड़ियाँ और ताले, पहरेदार, ये सब के सब बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान को जैसे ही वसुदेव जी ने अपने सिर पे रखे, तो उस समय, क्योंकि उस समय जो ठाकुर जी का रूप था अद्भुत रूप था, मंत्रमुग्ध कर देने वाला अद्भुत रूप। इसलिए हम कह सकते हैं कि मथुरा के जितने भी लोग हैं, सिर्फ मथुरा ही नहीं, हमने देखा कि विदेश से भी लोग पहुंचते हैं, पूरे ब्रज की, मथुरा ही नहीं पूरे ब्रज में ये भक्ति का भूमि है। जो ब्रज मंडल है ये भक्ति का भूमि है। यहाँ पे तो राधे राधे है, राधे राधे के सिवा और कुछ भी नहीं है। राधे राधे का जिक्र आप करें, मैं आपसे इसके बाद एक और चीज पूछूंगी, मुहूर्त क्या है और वृंदावन की भी, ये कि 27 तारीख को वृंदावन में होगी, इधर 26 को होगी, इसके बारे में आपसे बात करूंगी। ऐसा है कि वो तो अपने अपने मुहूर्त देखते हैं, जो कि किस समय कोई उदया तिथि में मानता है, जो कि अष्टमी उदया तिथि में है तो उदया तिथि वाले करते हैं, कोई दिन में रात्रि को उस समय अष्टमी पर रहा है तो उस समय के करते, तो सबके अपनी अपनी
संप्रदाय के हिसाब से अपने अपने करते हैं। महाराज जी, छोटे छोटे बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं, बड़े दूर से आए हैं ये बच्चे। सब बालक हमारे जो हैं सो कोई बिहार से आया है, कोई MP से आया है, कोई पंजाब से आया है, तो ये सब छोटे छोटे बालक हमारे पास रहते हैं। समझाइए कि इतने छोटे छोटे बच्चे और ये भी भक्ति में लीन। सब भक्ति में लीन है। बात करो हम उनसे। तो सबसे पहले आपको राधे राधे। कैसा लग रहा है? जन्माष्टमी है, तैयारी पूरी कर ली? हो गई तैयारी पूरी। नाम बताइए अपना। यश दुबे जी। कहाँ के हो? प्रयागराज। अच्छा, ये प्रयागराज से आए हैं। और आप? हम राजस्थान के हैं। अच्छा, आप राजस्थान। आप? बिहार। ये तो सभी अलग अलग जगह से, इतने दूर दूर से। आप? कानपुर। कानपुर से आए हैं। कितने साल के हो? 11। श्री कृष्ण, जन्माष्टमी की तैयारी कैसी है? अच्छी है। वहाँ कैमरा है, वहाँ देख के बताओ। अच्छी है। अच्छी है। कैसे लगते हैं श्री कृष्ण? अच्छे। अच्छे क्यों लगते हैं? कुछ बोलोगे? क्यों शर्मा आ रहे हैं? आप बताओ, श्री कृष्ण अच्छे क्यों लगते हैं? अच्छे लगते हैं। पूजा करते हो? करते हैं। घर की याद नहीं आती? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। श्री कृष्ण इतने अच्छे लगते हैं कि यही उनकी भक्ति में लीन हो। हाँ। कुछ सुना सकता है आप में से कोई? कोई? अच्छा सुना। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच, ऊर्ध्वमूलमदस्सक मस्वत्तं प्राहुरव्ययं चन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रवाला अदस्य मूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादेर्न च सम्प्रशिष्टा अश्वत्थमेनं सुबिरो मसङ्गशास्त्रेण दृढेन चेत्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतानानि वर्तन्ते भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रबद्धे यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणे। मैं कैसे तारीफ करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। इतने छोटे छोटे बच्चे कैसे याद किया? पढ़ गए। सवेरे प्रातःकालीन 6:30 बजे रुद्राभिषेक करते हैं, फिर इसके बाद जो है सो ठाकुर जी की स्तुति। अभी आप बैठेंगे, देखेंगे, अभी आरती हो गई ना, अब सब बैठ करके स्तुति करेंगे भगवान का। दिनचर्या बहुत टफ होती होगी छोटे छोटे बच्चों की। सुबह उठ जाना, सात्विक खाना खाते हैं बिना प्याज लहसुन कैसा? वो सब तो कुछ है ही नहीं। हाँ, नहीं प्याज लहसुन के यहाँ क्या काम। 4 बजे उठते हैं बच्चे, फिर अपना स्नान ध्यान करके संध्या करते हैं, तीनों काल संध्या करते हैं, गायत्री मंत्र जप करते हैं, फिर जो है सो यहाँ आकर के 6:30 बजे अभिषेक करते हैं, जलपान करके फिर विद्यालय जाते हैं। बहुत मुश्किल दिनचर्या होगी छोटे छोटे बच्चों की। आप सभी की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम, और आप भी देख रहे हैं कि कितनी मुश्किल, फिर भी आप देख सकते हैं कि सनातन धर्म में सच में बहुत ताकत है महाराज जी। बहुत ताकत है। सबसे ताकतवर धर्म कौन सा? सनातन धर्म। सबसे ताकतवर धर्म कौन सा? सनातन धर्म। और कुछ कहना चाहेंगे? सबको लास्ट में यही जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना, और भगवान की भक्ति निरंतर करते रहे, और गोविंद से यही प्रार्थना है कि सबके अपनी चरणों की भक्ति प्रदान करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, छोटे छोटे बच्चों से भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। विजय मुकेश के साथ महिमा, रिपब्लिक भारत, मथुरा।